नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। तो हर बार की तरह आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हैरी दत्त पर। सो मेरा नाम मनीषा है। इन्होंने भी अभी तक हैरी दत्त चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन सो दैट आगे आने वाली हमारी जितनी भी वीडियोज़ होंगी उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएंगे और हमारी कोई भी वीडियोज़ को आप बिल्कुल भी मिस नहीं करेंगे। तो आज हम आपको लेकर आए हैं मोहाली के बहुत ही प्राइम सेक्टर में, सेक्टर 79 में, और एक ऐसी कोठी दिखाने के लिए, एक ऐसा इंडिपेंडेंट विला दिखाने के लिए जो कि है बिल्कुल महल जैसा। बिल्कुल महल बोलूँगी मैं क्योंकि महल से ये कम नहीं है। ये है 500 गज का 500 स्क्वायर यार्ड में बना हुआ इंडिपेंडेंट डुप्लेक्स विला, जहाँ पे आपको मिलते हैं 6 बेडरूम, नीचे आपको 3 बेडरूम्स एंड फर्स्ट फ्लोर पे आपको 3 बेडरूम्स। सो 500 गज का ये विला है एंड काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है। तो मैं भी आप सभी के साथ अंदर जाऊंगी पहली बार। तो 500 गज है तो मैंने खुद ही अज्यूम कर लिया ऑफकोर्स काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस होगा एंड बहुत कुछ हमें इस घर के अंदर देखने को मिलेगा। मैंने सुना किचन बहुत स्पेशियस है एंड किचन बहुत ज़्यादा सुंदर है, तो मैं भी देखूंगी घर के अंदर जाके आप सभी के साथ कितना ये सुंदर घर है एंड कितनी अच्छी चीज़ें हमें इस घर के अंदर मिल रही हैं। तो सबसे पहले मैंने जैसा बोला कि हम हैं सेक्टर 79 मोहाली में, तो घर के सामने घर है, जस्ट घर के डायरेक्ट सामने घर है, घर के साथ में ही पार्क आ जाता है। और पार्क की वजह से एक ये चीज़ है प्लस पॉइंट कि आपको पार्किंग का कभी इशू फेस करने को नहीं मिलेगा, क्योंकि आप देख सकते हैं साथ में ही आपको पार्किंग के लिए काफ़ी अच्छी स्पेस मिल जाती है। और जो ये पार्क है तो बहुत ही प्यारा लग रहा है, आप यहाँ पे अपनी फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं एंड आपके बच्चे भी बहुत इंजॉय करेंगे। तो अब रही बात करते हैं एलिवेशन की। एलिवेशन की हमने बात नहीं करी है। मैंने महल क्यों कहा इसको, क्योंकि ये पूरा का पूरा लुक महल जैसा है, पूरी वाइब मेरे को महल वाली दे रहा है ये पूरा का पूरा घर। बहुत ही सुंदर है। अभी इसके अंदर ना थोड़ा बहुत काम पेंडिंग है एंड एक और बात, सॉरी मैंने बताया नहीं, एक्साइटमेंट में भूल ही गई कि ये आपको फुली फर्निश्ड मिल रहा है। जो भी आप प्राइस देखेंगे उसमें आपको इंक्लूडेड सारी चीज़ें मिलने वाली हैं घर के अंदर। तो अब करते हैं बात हम सब बर्म एरिया की। तो हम अभी मैं बर्म एरिया में खड़ी हूँ, तो यहाँ पे भी आपकी दो बड़े साइज़ की गाड़ियाँ आराम से पार्क हो जाएंगी। आप अपनी दो बड़े साइज़ की गाड़ियाँ पार्क कर सकते हैं, ठीक है। और उस तरफ को आपको स्टेप्स मिल जाते हैं, ये आपके स्टेप्स आ गए, उसके बाद डायरेक्ट आप घर के अंदर आ जाते हैं। सो घर के अंदर आते ही घर के अंदर की पार्किंग स्पेस की बात करते हैं। सो इस तरफ को आपको काफ़ी सारा स्पेस मिल जाता है आपके पार्किंग के लिए एंड एक आपको बाहर से स्टेयर्स मिलती हैं टेरेस के लिए, इनकेस आप अपने घर में कोई सर्वेंट वगैरह रखना चाहते हैं, हाउस हेल्प रखना चाहते हैं, तो उनके लिए जो स्टेयर्स वो बाहर से ही दी गई हैं सो दैट जो आपकी प्राइवेसी है वो भी मेंटेन होती रहे। तो यहाँ पे आपकी लगभग दो गाड़ियाँ, बड़ी गाड़ियाँ तीन लगा लीजिए, आप आराम से पार्क कर सकते हैं। जैसे बर्म एरिया में आपकी दो गाड़ियाँ आ गई, जैसे कभी फंक्शन है आपके घर में एंड गेस्ट आ जाते हैं, रिलेटिव्स आते हैं, गाड़ीज़ में आएंगे ऑफकोर्स, तो उनका क्या है कि अगर उनको अपनी पार्किंग करनी है तो घर के बाहर पार्किंग कर सकते हैं, घर के अंदर पार्किंग कर सकते हैं, आपको पार्किंग किंग का इशू। अब उसके बाद मैं दिखाती हूँ आपको ग्रीन एरिया, ये देखिए बहुत ही सुंदर सा ग्रीन एरिया, बहुत ही मज़े आ रहे हैं यहाँ पे, काफ़ी अच्छी वाइब है आज, तो हवाएं भी काफ़ी अच्छी चल रही हैं। सो बहुत ही सुंदर लग रहा है इस जगह को, जिस खूबसूरती से सजाया गया है आप देख सकते हैं, नीचे बहुत ही प्यारा सा वर्क किया गया है ये पत्थर के साथ, बहुत सुंदर लग रहा है। साइड में आपको कितनी सारी ग्रीनरी मिल जाती है, आप यहाँ पे आराम से सुबह शाम कॉफ़ी टी इंजॉय कर सकते हैं और आराम से बैठ भी सकते हैं, बहुत ही अच्छी वाइब आएगी यहाँ पे, पॉजिटिव वाइब है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। अब इसके बाद मैं आपको लेकर चलती हूँ सीधा 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 घर की मेन एंट्रेंस की ओर, और मेन एंट्रेंस तो बहुत ही ज़्यादा कमाल की है, आपके आँखों से बिल्कुल भी ओझल नहीं होंगी, ऐसी एंट्रेंस है, बहुत ही सुंदर, आप बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते इस एंट्रेंस को, बहुत ही सुंदर काम यहाँ पे किया गया है। बीच में आपको जो गोल्ड का काम दिख रहा है गोल्डन कलर में, और पीछे आपका वुडन का वर्क आ गया, बहुत ही सुंदर लग रहा है, एंट्रेंस बहुत खूबसूरत है हमारी। तो आइए सीधा घर के अंदर मैं आपको मिलती हूँ।
सो आ जाइए दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस महल में। सो एंटर करते ही सबसे पहले आपका फॉयर एरिया आ जाता है एंड इस तरफ को ये आपकी एंट्रेंस वेलकम वॉल रहेगी, जहाँ पे आप क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं। जैसे कुछ प्लांट्स रख दीजिए या फिर कुछ भी एंटीक पीसीज रख दीजिए, तो उससे क्या है कि खूबसूरती और ज़्यादा बढ़ जाएगी इस महल की। ऑफ कोर्स तो यहाँ पर सबसे पहले हमें मिलता है हमारा ड्राइंग स्पेस, जो कि है बहुत ही ज़्यादा प्राइवेसी के साथ। अगर आपकी कोई मीटिंग है, इंपॉर्टेंट मीटिंग है आपकी, तो आप अपनी प्राइवेसी के साथ उनके साथ बातचीत कर सकते हैं, जो भी आपकी इंपॉर्टेंट मीटिंग रहेगी। तो चलिए सीधा लेकर चलती हूँ मैं आपको ड्राइंग हॉल में। ये देखिए, सो हॉल नहीं कहूँगी, सॉरी, ये ड्राइंग रूम है। सेपरेट ड्राइंग रूम आपका आ जाता है यहाँ पर, और कितना ज़्यादा स्पेशियस है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये जो वर्क किया गया है, बहुत ही ज़्यादा कमाल का वर्क है, बहुत सुंदर लग रहा है। वुडन का वर्क, पीछे आपकी लाइट्स आ जाती हैं, ऊपर आपका शैंडलर आ गया, साथ में वुडन के आपके फॉल सीलिंग आ जाती है। वुडन का वर्क यहाँ पे किया गया है। एंड एक खास बात इसकी ये है कि यहाँ पे ना बड़ा बहुत ही बड़ी विंडो मिल जाती है, मैश विंडो के साथ ग्लास विंडो काफ़ी बड़ी मिल रही है, सो दैट आपको बाहर का व्यू बिल्कुल भी मिस ना हो, बाहर का व्यू आप बिल्कुल मिस ना करें। और इस तरफ को भी ये देखिए, यहाँ पे भी वुडन का वर्क मिल जाता है, काफ़ी सारा वुडन का वर्क दिया गया है, बहुत सुंदर लग रहा है। सो ऑल ओवर अगर बात की जाए इस ड्राइंग स्पेस की, ड्राइंग रूम की, तो बहुत ही सुंदर वर्क किया है यहाँ पर, बहुत ही प्यारा है, बहुत कमाल का लग रहा है। मेरे को ऐसा लग रहा है अभी से ही महल वाली वाइब कितनी है, घर के अंदर बेडरूम्स देखूंगी और किचन, मेरे को सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट है किचन देखने की। तो चलिए आ जाइए, मैं अब लेकर चलती हूँ आप सभी को फैमिली लाउंज एरिया में। तो चलिए फैमिली लाउंज की ओर लेके जाऊँ। उससे पहले जो ये डोर आप देख रहे हैं, ये आपका कॉमन वॉशरूम भी रहेगा एंड बेडरूम के अंदर से भी रहेगा। हम बेडरूम के अंदर से जाके देखेंगे जब हम बेडरूम देखेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए, इतना सारा स्पेस आपको मिलता है आपके फैमिली लाउंज एरिया के लिए एंड आपके डाइनिंग स्पेस के लिए। तो यहाँ पर हमें ग्राउंड पे, जैसा मैंने बोला, 3 bedrooms मिल जाते हैं प्लस किचन। तो ऊपर आप देख ही रहे हैं, सो ऊपर भी वुडन का वर्क काफ़ी सारा मिलता है, बहुत ही ज़्यादा फैंसी शैंडलर्स यहाँ पे लगाए गए हैं। अभी इसके बाद इसके सामने आ जाता है ये टीवी पैनल स्पेस। तो ये टीवी पैनल आ गया, यहाँ पर आप देखिए वुडन का टीवी पैनल आपको मिल जाता है और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। पूरे ही घर के साथ जो कलर कॉम्बिनेशन के साथ काम किया गया है, बहुत ही कमाल का है, बहुत सुंदर लग रहा है मुझे। कलर कॉम्बिनेशन बहुत सुंदर है घर का। इस तरफ को भी अगर इस स्टेयर्स की बात की जाए, स्टेयर्स वाले वॉल की बात की जाए, तो क्या काम देखने को मिल रहा है यार, यहाँ पे बहुत सुंदर है। हर कोई चाहेगा कि कल को ऐसा घर हमारा भी हो। जैसा कि मैंने आपको बोला ही स्टार्टिंग में कि अभी काम चल रहा है घर का, तो इसीलिए ना आपको थोड़ा बहुत सामान यहाँ पे दिख रहा है, तो इसको थोड़ा सा इग्नोर करिएगा एंड पूरे ही घर को इंजॉय करिएगा। तो मैंने जैसा बोला आपको काम चल रहा है, तो 1-2 bedrooms में भी काम चल रहा है, वो हम दूर से ही देख लेंगे थोड़ा सा, ठीक है। तो इधर आपको ये देखिए, ये आपका आ जाता है, अब हम पहुँच चुके हैं डाइनिंग स्पेस में। तो ऊपर आपकी फॉल सीलिंग आ जाती है, तो बहुत ही ज़्यादा कमाल का ये स्पेस यहाँ पे दिया गया है, जिसे आप बार स्पेस भी बना सकते हैं या आपकी कोई क्रॉकरीज हैं, क्रॉकरी यूनिट आप इसको बना सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए काफ़ी सारे ना कैबिनेट्स भी दिए गए हैं, ताकि आपको स्टोरेज का कोई भी प्रॉब्लम ना है। और इधर सो ये आ जाती है आपकी बड़ी सी विंडो, ताकि आप पीछे का व्यू भी लेते रहें एंड जो वेंटिलेशन है, जो सनलाइट है, वो प्रॉपर आपको आपके डाइनिंग स्पेस में मिलती रहे। तो अभी बैकयार्ड हम बाद में जाके देखते हैं। अब आई एम श्योर आप सभी को एक्साइटमेंट हो रही होगी डाइनिंग के बाद किचन देखने की। तो किचन बहुत खूबसूरत है और बहुत ही ज़्यादा कमाल का है, मैं देख चुकी हूँ, अब आप भी देखिए। ये देखिए क्या किचन है यार, ऐसा किचन तो ना मैं बाहर फॉरेनर्स होते हैं जो उनके घरों में देखती हूँ, ऐसा किचन यहाँ पर भी इंडिया में भी देखने को मिल रहा है, तो बहुत खुशी हो रही है मुझे। सबसे पहले इधर ये आ जाता है आपका ब्रेकफास्ट टेबल। सो ये ब्रेकफास्ट टेबल रहेगा, अगर इन केस जैसे आप, हमेशा मैं बोलती हूँ, आप रश में हैं, हरी में हैं, आपकी कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग है, डाइनिंग टेबल तक बैठने का आपके पास टाइम नहीं है, उतना टाइम आप नहीं अफोर्ड कर सकते, यहाँ पे अपना ब्रेकफास्ट कीजिए एंड आप चले जाइए अपनी मीटिंग के लिए। उसके बाद इस तरफ को सेंटर में आपका आ जाता है चिमनी एंड हॉप एरिया, ये आपका हॉप एरिया आ जाता है। उसके बाद इस तरफ को ये आपका रहेगा फ्रिज का स्पेस, यहाँ पे आपका फ्रिज आ जाएगा, ये आपके क्रॉकरी यूनिट रहेंगे एंड
उसके बाद इस तरफ को अवन माइक्रोवेव आ गया, ठीक है। अवन माइक्रोवेव के बाद इस तरफ को भी काफ़ी सारे आपको कैबिनेट्स मिल जाते हैं, ताकि जो स्टोरेज की प्रॉब्लम है वो आपको बिल्कुल भी फेस करने को ना मिले। काफ़ी सारे यहाँ पे आप अपने वेजिटेबल फ्रूट्स वगैरह स्टोर करके रख सकते हैं, ठीक है। जैसे टमाटर वगैरह, आजकल तो टमाटर आप नहीं रख सकते, काफ़ी ज़्यादा महंगा हो चुका है टमाटर। बट ये तो था हमारा ड्राई किचन। अब ड्राई किचन के बाद दिखाते हैं वेट किचन। तो ये देखिए, ये है आपका वेट किचन। तो ये आपका वेट किचन आ जाता है। तो यहाँ पे आपको डबल सिंक दिए गए हैं, यहाँ पे भी काफ़ी सारे आपके कैबिनेट्स आ जाते हैं, नीचे भी आपको कैबिनेट्स मिल रहे हैं, सो दैट आपको बिल्कुल भी स्टोरेज की प्रॉब्लम कभी फेस करने को ना मिले। यहाँ पे एक विंडो दी गई है, क्योंकि ये ऑफकोर्स वेट किचन है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा खाना बनेगा, बहुत कुछ होगा, तो वेंटिलेशन चाहिए एंड सनलाइट भी आपको अंदर चाहिए। और यहाँ से यहाँ से आपको स्पेस मिलता है आपके बैकयार्ड का। तो आइए बैकयार्ड आपको दिखाते हैं। वाओ, काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है, काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है। अच्छा, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, जो ये ब्लॉक्स दिए गए हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे प्लांट्स रखे हैं, तो यहाँ पे आप प्लांट्स रख सकते हैं, इधर आपके प्लांट्स आ जाएंगे। यहाँ पे आपको टैब दिए गए हैं, ताकि जो आपकी वॉशिंग है वो आराम से आप वॉशिंग कर सकते हैं। एंड सर्दियों के टाइम पे तो बड़ा मज़ा आएगा यहाँ पर बैठने में, क्योंकि धूप बड़ी प्यारी आ रही है, हर वक्त आपको यहाँ पे धूप मिलती रहेगी, तो आप धूप इंजॉय करेंगे एंड आपके जो क्लोथ्स हैं वो ईजिली ड्राई भी हो जाएंगे यहाँ पर। अब इसके बाद दिखाते हैं आप सभी को बेडरूम्स। मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ, आप देख ही सकते हैं कितना ज़्यादा मैं बोल रही हूँ, क्योंकि मुझे बहुत एक्साइटमेंट है इस घर को देखने के लिए एंड दिखाने के लिए। तो आइए दोस्तों, अब लेकर चलते हैं आप सभी को बेडरूम्स की, और अब बारी आती है बेडरूम को देखने की। तो ग्राउंड पे जैसा मैंने आपको बोला 3 बेडरूम्स मिलते हैं, तो सबसे पहले कौन सा बेडरूम आपको दिखाएं, ये वाला देख लेते हैं, आ जाइए। वाओ, ये भी काफ़ी अच्छा रूम है, काफ़ी ज़्यादा शुरुआत बेडरूम्स की काफ़ी अच्छी हुई है हमारी। तो यहाँ पर आपको सेंटर में आपका बेड मिल जाता है, ऊपर आपकी फॉल सीलिंग आ जाती है विद LED लाइट्स, उस तरफ को आपके वार्डरोब आ जाते हैं, आप देख सकते हैं, और काफ़ी अच्छी स्पेस के साथ आपको वार्डरोब आपके मिल जाते हैं। ये देखिए, काफ़ी ज़्यादा इस तरफ को भी आपको स्पेस दिया गया है एंड ऊपर भी आपको स्पेस मिल जाता है। इस तरफ को आपका ड्रेसिंग एरिया आ गया, आप आराम से फुल मिरर आपको यहाँ पे मिल जाता है, फुल हाइट तक का मिरर है, सो दैट आप अपने आप को टॉप टू बॉटम देख सकें। इस तरफ को आपका आ गया ये TV पैनल स्पेस, यहाँ पे आपका कोई भी साइज़ का TV आराम से लग जाएगा। एंड इस तरफ को भी एक मिरर दिया गया है, ताकि आप अपने आप को हर वक्त निहारते रहें। अच्छा, इस बेडरूम में एक खासियत ये है कि आपको ना एक्सेस मिलता है बाहर से ही, जैसे इन केस आप इसको बेडरूम को गेस्ट बेडरूम बना सकते हैं, इन केस आपके घर में गेस्ट आ जाते हैं तो आप इसको आप गेस्ट बेडरूम बना सकते हैं। एंड एक और चीज़, ऑफिस स्पेस में भी इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि जो इसकी एंट्री है वो बाहर से ही है, तो आप इसको ऑफिस स्पेस में ईजिली कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इसके बाद मैं दिखाती हूँ आपको अटैच्ड वॉशरूम। इस तरफ को अटैच्ड वॉशरूम आ जाता है, जो कि मैंने आपको बताया था कॉमन वॉशरूम भी रहेगा, क्योंकि इसकी एंट्री बाहर से भी है। तो ये आ जाता है आपका अटैच्ड वॉशरूम, काफ़ी अच्छी स्पेस के साथ, डिसेंट स्पेस के साथ आपको आपका अटैच्ड वॉशरूम मिल रहा है। तो आइए अब लेकर चलते हैं आप सभी को सेकेंड बेडरूम की ओर। तो फर्स्ट बेडरूम तो हमने देखा, काफ़ी अच्छा था, उम्मीद करते हैं सेकेंड बेडरूम उससे भी ज़्यादा अच्छा हो। वाओ, ये बेडरूम तो उससे भी ज़्यादा स्पेशियस है, ये देखिए कितना स्पेशियस बेडरूम ये है। यहाँ पे अभी क्वीन साइज बेड लगा हुआ है, आप किसको किंग साइज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, उसके बाद भी हमें ना काफ़ी ज़्यादा स्पेस मिल जाएगा मूव करने के लिए। सो ऊपर फॉल सीलिंग मिल जाती है आपकी वुडन के वर्क के साथ। बैक देखिए आप, इसकी बैक कितनी सुंदर लग रही है, कितना ज़्यादा कमाल का वर्क यहाँ पे किया गया है। LED लाइट्स आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। इसके बाद इसके डायरेक्ट सामने आ जाता है TV पैनल स्पेस, और कितना ज़्यादा डिज़ाइनर एंड डिफरेंट TV पैनल है। एंड कलर कॉम्बिनेशन आप देख सकते हैं, इसका एंड बेड का दोनों का ही कलर कॉम्बिनेशन बिल्कुल सेम सा किया गया है यहाँ पर। साइड में आपका बड़ा सा मिरर आ जाता है, ताकि जो आप इजीली तैयार हो सके, अपने आप को देख सके टॉप टू बॉटम। उसके बाद दिखाते हैं आप सभी को वॉक इन वार्डरोब्स। वॉक इन वार्डरोब से पहले यहाँ पर आपको मिल जाती है विंडो, सो दैट वेंटिलेशन सनलाइट प्रॉपर आपको बेडरूम के अंदर मिलती रहे। अब आती है बारी वॉक इन वार्डरोब्स की।
सो ये आ गए आपके वॉक इन वॉर्ड्रॉप्स एंड काफ़ी ज़्यादा स्पेस के साथ आपको मिल रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा स्टोरेज के साथ आपको मिल रहे हैं। अब दिखाते हैं अटैच्ड वॉशरूम। सो ये आ गया आपका अटैच्ड वॉशरूम। इस तरफ को आपका बाथिंग एरिया रहेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं फुल हाइट तक की टाइल वर्क्स आपको मिल जाती हैं। टाइल वर्क बहुत प्यारा है, ऊपर भी फॉल सीलिंग मिल रही है एंड आपको वॉशरूम के अंदर भी एक विंडो मिल जाती है ताकि वेंटिलेशन बनी रहे वॉशरूम के अंदर भी। तो ये तो था सेकंड बेडरूम, अब दिखाते हैं आपको थर्ड बेडरूम। बट आई एम सो सॉरी, मैंने यहीं से ही देख लिया ऑलरेडी कि थर्ड बेडरूम में ना अभी काम पेंडिंग है। सो आप देख सकते हैं, वैसे तो आप अपने आइडिया के लिए देख सकते हैं। आई एम वेरी सॉरी कि मैं आपको ऐसे हालात में दिखा रही हूँ, बट एक तरीके से प्लस पॉइंट ये भी आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छे से काम चल रहा है। वुडन का काम भी काफ़ी अच्छे से यहाँ पे किया जा रहा है, जो वर्क है वो भी बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे किया जा रहा है। इस तरफ को आपका वॉक इन वार्डरोब आ जाता है, आपका अटैच्ड वॉशरूम, ये ड्रेसिंग एरिया आपका रहेगा और ये आ गया आपका अटैच्ड वॉशरूम। तो आइए दोस्तों, अब मेरी एक्साइटमेंट ना थोड़ी और बढ़ रही है क्योंकि मैं आपको लेकर जा रही हूँ अब फर्स्ट फ्लोर पे। तो क्योंकि आपके साथ ही मैं जा रही हूँ, मैंने भी नहीं देखा ऊपर जाके क्या है, तो आई एम वेरी एक्साइटेड कि क्या होने वाला है एंड आई एम श्योर बहुत ही स्पेशियस चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी। तो आइए चलते हैं सीधा फर्स्ट फ्लोर पे। तो यहाँ पर जो हमारी स्टेयर्स आती हैं बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत यहाँ पे वर्क देखने को मिल रहा है, काफ़ी ज़्यादा वुडन का वर्क किया गया है। घरों में ना जब वुडन का वर्क देखने को मिलता है, वुडन के वर्क के साथ ही घर बहुत ही ज़्यादा एलिगेंट लगने लगता है, बहुत सुंदर लगने लगता है। आप देख सकते हैं रूफ़ भी यहाँ पर, आप देखिए जो हमारी रूफ़ टॉप आ जाता है, बहुत सुंदर लग रहा है। तो दोस्तों हम आ चुके हैं फर्स्ट फ्लोर पे। ओ माय गॉड, फर्स्ट फ्लोर देखिए आप कितना ज़्यादा स्पेशियस है। यहाँ पर ना अगर छोटे छोटे बच्चे हैं उनके साथ ना आप क्रिकेट भी खेल सकते हैं, इतना स्पेस यहाँ पे मिल रहा है आपको। सो ऊपर आपकी आ जाती है वुडन की फॉल सीलिंग एंड यहाँ से आप देखिए बैक बालकनी का व्यू बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। काफ़ी ज़्यादा स्पेस के साथ आपकी बैक बालकनी मिल जाती है, आप देख सकते हैं यहीं से ही। एंड उसके बाद और उस तरफ को इधर इधर देखिए आप, यहाँ पे आपका फैमिली लाउंज स्पेस रहेगा, फैमिली लाउंज बन जाएगा आपका, डाइनिंग स्पेस भी आप बना सकते हैं। ऊपर भी आप देखिए फॉल सीलिंग के साथ कितनी ज़्यादा फैंसी एंड डिज़ाइनर लाइट्स आपको यहाँ पे मिल रही हैं। एंड उसके बाद इधर यहाँ पे ना आप क्या कर सकते हैं, किचन बना सकते हैं। यहाँ पे आपका एक सेपरेट किचन आ सकता है, पॉसिबली बन सकता है। और उसके बाद एक आपकी पर्सनल बालकनी आ जाती है इधर से ही, देखिए ये पर्सनल बालकनी आपकी आ गई, यहाँ से आपको एक्सेस मिल जाएगा। एंड जो साथ वाला बेडरूम है वहाँ से भी आपको पर्सनल बालकनी का एक्सेस मिल जाता है। अब दिखाते हैं आप सभी को बेडरूम। हो ओ माय गॉड, वाओ कितना ज़्यादा स्पेशियस बेडरूम है ये, देखिए आप, ये देखिए आपको यहाँ पे विंडोज़ मिल जाती हैं ताकि जो सनलाइट है, डे लाइट है, वो आपको मिलती रहे आपके रूम के अंदर। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं आपको फॉल सीलिंग का काफ़ी अच्छा वर्क मिल रहा है विद एलईडी लाइट्स। बैक आपकी बेड के पीछे भी आपको वर्क मिल जाता है कलर कॉम्बिनेशन के साथ। आप देखिए फॉल जो सामने आ जाता है टीवी पैनल स्पेस। सो ये आ गया आपका टीवी पैनल स्पेस, कलर कॉम्बिनेशन बहुत सुंदर है एंड काफ़ी ज़्यादा स्पेस है। आप क्या कर सकते हैं इस तरफ को ना, यहाँ पे भी आपका एक सिटिंग मैनेज कर सकते हैं या उस तरफ को, उस कॉर्नर में आप अपनी एक सिटिंग मैनेज कर सकते हैं बेडरूम के अंदर ही। अब आपको लेके चलते हैं वॉक इन वार्डरोब की ओर सबसे पहले। तो ये आ गए आपके वॉक इन वार्डरोब एंड इस तरफ को आपका रहेगा ड्रेसिंग एरिया। ये आ गया ड्रेसिंग एरिया एंड ड्रेसिंग के बाद अब दिखाते हैं अटैच्ड वॉशरूम। सो ये आ गया आपका अटैच्ड वॉशरूम। यहाँ पे भी टाइल वर्क काफ़ी अच्छा है, फुल हाइट तक की टाइल है एंड डिफरेंट टाइल यूज़ की गई है एक एक साइड पे। एंड ये इस तरफ को आपका बाथिंग एरिया आ गया। तो ये तो काफ़ी कमाल का बेडरूम मुझे लगा है। अब इसके बाद हमने कितने टोटल बेडरूम देख लिए हैं, ये हमारा फोर्थ बेडरूम था, अब दो और बेडरूम्स बाकी हैं। तो आइए दिखाते हैं बाकी के दो और बेडरूम्स। तो इस तरफ को ये आमने सामने दो बेडरूम्स आ जाते हैं। तो सबसे पहले ये वाला बेडरूम देख लेते हैं, ये ओपन ही है तो ये बेडरूम देखते हैं। आइए, वाओ ये भी काफ़ी डिफरेंट कलर्स के साथ है। तो हर एक बेडरूम में ना हमने ये देखा कि हर एक बेडरूम का जो थीम है, कलर थीम है, वो काफ़ी डिफरेंट है, काफ़ी सुंदर है। यहाँ से मैं एक व्यू देख पा रही हूँ, बहुत ही डिफरेंट है, वो मैं आपको दिखाऊंगी, अभी रुक जाइए। सो ये आ गया आपके बेड के पीछे की वॉल, काफ़ी डिफरेंट है, काफ़ी डिज़ाइनर वॉल आपको अगेन मिल जाती है। यहाँ से आपको ये देखिए
बड़ी सी विंडो मिल रही है ताकि जो आपको वेंटिलेशन है, सनलाइट है, वो प्रॉपर मिलती रहे। एंड यहाँ से आप एंट्री भी ले सकते हैं सीधा आपके पीछे बैक बालकनी में। अब उसके बाद इस तरफ को आ जाता है आपका टीवी पैनल स्पेस, ये टीवी पैनल आएगा। अब टीवी पैनल के बाद जो स्पेस की मैं बात कर रही थी वो ये है, ये देखिए, ये काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट स्पेस है आपका, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है। आपका पर्सनल वार्डरोब ड्रेसिंग एरिया, इस तरफ को आपके वार्डरोब आ जाते हैं। सो ये वार्डरोब आ गए, इस तरफ को आपका ये वॉशिंग के लिए वॉश बेसिन आ गया, एंड यहाँ पे आप अपना मिरर लगा सकते हैं, आप यहाँ पर तैयार हो सकते हैं, आराम से अपने आप को देख सकते हैं। अभी मिरर लगना बाकी है फ्रेंड्स। सो इस तरफ को ये देखिए, ये आपका बाथिंग एरिया आ जाएगा। सो ये बाथिंग एरिया आ गया। आई एम सो सॉरी, इधर ना लाइट्स अभी लगाई नहीं गई, इसीलिए लाइट जलाई नहीं है हमने, आई एम वेरी सॉरी। सो ये बाथिंग एरिया आ गया आपका। तो ये काफ़ी डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, मैंने हर एक बेडरूम में नोटिस किया एक सेपरेट वॉशरूम है, यहाँ पर तो काफ़ी ज़्यादा सेपरेट ही कर दिया है, बहुत डिफरेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज़ किया गया है। एंड ये आ गया आपका वॉशरूम। तो ये आपने देखा काफ़ी डिफरेंट है, एंड यहाँ पे भी स्पेस दिया गया है एक विंडो के लिए, ताकि जो वेंटिलेशन है आपके वॉशरूम के अंदर वो बनी रहे, बरकरार रहे। अब इसके बाद लेकर चलते हैं सामने वाले बेडरूम की ओर, जो कि है हमारा सिक्स्थ एंड लास्ट बेडरूम। सो लेट्स सी ये बेडरूम कैसा होने वाला है। वाओ, कितनी स्वीट वाइब्स हैं इसकी, तो कितनी ज्यादा कोजी वाइब्स हैं, बहुत ही सुंदर बेडरूम है ये भी, बहुत प्यारा बेडरूम लग रहा है। सो यहाँ पर आप देखिए, एक कमाल की बात ये है कि ना बाहर से आपको डे लाइट बड़ी प्यारी आ रही है, यहाँ पर जो ये कर्टन यूज़ की गई है बहुत ही सुंदर लग रही हैं, उसकी वजह से ना आपकी जो डे लाइट है वो बहुत प्यारी आएगी रूम के अंदर। अगर मैं लाइट ऑफ कर दूँ तो बहुत सुंदर लगेगा। और यहाँ से ही आपको एक्सेस मिलता है अगेन आपकी बैक बालकनी का, ये देखिए बैक बालकनी भी आपकी काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है। इस तरफ को ये आपका टीवी पैनल आ गया, कोई भी साइज़ का यहाँ पे टीवी इंस्टॉल कर सकते हैं। ऊपर आपकी फॉल सीलिंग आ जाती है, जो कि सेंटर में आपको इस तरफ को वुडन का वर्क देखने को मिल जाता है। एंड उसके बाद ये आ गया हमारा वॉक इन वार्डरोब एरिया, इस तरफ को आपका ड्रेसिंग एरिया रहेगा, ये आपका ड्रेसिंग एरिया आ गया। ड्रेसिंग के बाद अब दिखाते हैं आपको अटैच्ड वॉशरूम। सो ये आ गया आपका अटैच्ड वॉशरूम, यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा टाइल जो यूज़ की गई है, काफ़ी डिफरेंट टाइल्स हैं, टाइल्स भी बहुत अट्रैक्टिव लग रही हैं। इस तरफ को आपका बाथिंग एरिया आ जाता है। तो ऑल ओवर बात की जाए बेडरूम के वॉशरूम की, तो वो भी काफ़ी कमाल है, एंड बेडरूम तो हमारा काफ़ी ज़्यादा कमाल है ही। तो आइए दोस्तों, हमने बेडरूम सारे के सारे चेकआउट कर लिए हैं और काफ़ी कमाल के लगे। पर्सनली आप बताइएगा आपका कौन सा वाला फेवरेट बेडरूम रहेगा। मेरा अगर मैं बात करूँ तो मेरा वो सिक्स्थ एंड लास्ट बेडरूम पर्सनली फेवरेट रहेगा, काफ़ी ज़्यादा सुंदर बेडरूम है वो। अब लेकर चलते हैं आप सभी को टेरेस की ओर, छत की ओर हमारे। तो हम पहुँच चुके हैं बाहर वाली स्टेयर्स की ओर। तो ये जो हमने नीचे से स्टार्टिंग से देखा था, स्टार्टिंग में देखा था कि जो स्टेयर्स ऊपर जा रही थी सेपरेट स्टेयर्स थी, जो बाहर से स्टेयर्स थी वो ये आ जाती हैं। तो ऊपर आपको एक सर्वेंट रूम भी देखने को मिल जाएगा एंड टेरेस एरिया। तो मैं मिलती हूँ आप सभी को ऊपर, आ जाइए। सो ये आ जाता है आपका एक ऐसा स्पेस जहाँ पे आप अपनी पार्टी कर सकते हैं इन फ्यूचर, बहुत ही ग्रैंड पार्टी आपकी यहाँ पर हो सकती है। ये आ गया आपका टेरेस एरिया, और बहुत ही ज़्यादा स्पेशियस टेरेस एरिया आपको मिल रहा है यहाँ पर, ये देखिए। इस तरफ को भी देखिए, यहाँ पे आपका ये आ जाएगा आपका डांसिंग फ्लोर, आप कह सकते हैं इसको, यहाँ पे आप अपने इंजॉय कर सकते हैं फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, आपकी बहुत ही अमेजिंग सी पार्टी हो सकती है, गेट टुगेदर आप कर सकते हैं। इस तरफ को ये आ जाते हैं आपके दो रूम्स जो हाउस हेल्प के लिए रहेंगे, हाउस हेल्प के लिए रखना चाहते हैं या फिर आप ऑफिस स्पेस बनाना चाहते हैं या जो जिस तरीके से भी आप यूज़ करना चाह सकते हैं वैसे आप इन रूम्स को यूज़ कर सकते हैं। एंड यहाँ पर ना हाउस हेल्प अगर रखेंगे आप तो उनके लिए एक किचन दिया गया है, ये देखिए ये किचन भी दिया गया है उनके लिए, एंड ये साथ में वॉशरूम का स्पेस। तो ये बहुत कमाल का मुझे टेरेस लगा, यहाँ पर तो बहुत ही मज़ेदार सी पार्टी हो सकती है। दोस्तों कैसा लगा आज का ये वीडियो और आज का ये घर, अगर मुझसे आप पूछेंगे तो डेफिनेटली मैं बोलूँगी बहुत ही सुंदर था, बहुत ही ज़्यादा
महल वाली वाइब इसने ज़रूर दे दी है। और अगर 79 जैसे सेक्टर में, मोहाली के इतने कमाल के सेक्टर में अगर घर हो तो कौन नहीं लेना पसंद करेगा यार। तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर मिल जाएगा, हैरी द टीम को आप कभी भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। टीम आपके लिए हर वक्त हाजिर रहेगी, आपका कोई भी सवाल है, कोई भी कुछ भी क्वेश्चन है आप हमसे ज़रूर पूछिए, हम आपके सारी क्वेश्चंस को जवाब देंगे एंड सारी की सारी डिटेल्स आपको देंगे। तो मिलती हूँ मैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए प्लीज़ अपना ध्यान रखिएगा। चलिए नमस्कार, शुक्रिया हमारी वीडियोज़ को देखने के लिए, हाँ एंड हमें इतना सारा प्यार देने के लिए।